अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ स्लीव डिज़ाइन शेयर करूंगी। और एक बात, अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। सबसे पहले मैं इसकी स्लीव कटिंग कर लूंगी। स्लीव कटिंग करने का जो तरीका है वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। इसको बनाने के लिए मैंने परफ्यूम का ढक्कन लिया है। आप इस तरह का कोई भी ढक्कन ले सकते हैं, जो कि बड़ा हो वो ले सकते हैं, छोटा हो, जिस तरह आप उन्हें डिज़ाइन बनाना है उसकी मुनासिबत से ले सकते हैं। 0.5 इंच मैं इधर से लूँगी। पेपर फ्यूजन मैंने डबल फोल्ड डबल रखी हुई है। और एक इंच आपने डिज़ाइन के लिए ऊपर लेना है, जहाँ जितना आपको डिज़ाइन चाहिए, ठीक है, आपने उतना ले लेना है इसकी गहराई के मुताबिक। तो मैं इसका सेंटर जहाँ तक आ रहा है मैं उतना ले रही हूँ, तो इसका सेंटर जो है वो एक इंच तक आ रहा है। अब आपने इस ढक्कन को इस तरीके से रखना है कि ऊपर से भी आ जाए और नीचे से भी आ जाए, ठीक है। आप चाहें तो ढक्कन पे निशान लगा लें, लेकिन आपने ऐसे करके इसको रखना है और दूसरी साइड पर आपने ऐसे मिलाई जाना है और इस तरह आपने तमाम राउंड कंप्लीट कर लेने हैं। और आपने पेपर फ्यूजन जो है, अगर आपका बॉटम है 6 इंच तो आपने 7 इंच लेनी है। उसका मैं बाद में आपको बताऊंगी कि 7 इंच क्यों लेनी थी। जब ये कंप्लीट हो जाए तो आपने 0.5 इंच ऊपर भी एक लाइन लगा लेनी है। सबसे पहले मैं ऊपर वाली लाइन को कटिंग कर लूंगी और सेम इसका दूसरा पैटर्न तैयार करने के लिए इसका मैं नीचे वाला भी पेपर फ्यूजन इसके बराबर कटिंग कर लूंगी। इसको मैं साइड पर रखते हुए पहले इसको कटिंग कर लेती हूँ। दूसरे पर भी मैं इसको ड्रा कर लूंगी। अब आपने जब सब तैयार कर लेने हैं तो आपने इसको स्लीव के ऊपर कुछ इस तरह से एडजस्ट करना है और ये बैक साइड पर आपने लगाना है। इसके नीचे जो आपने कपड़ा लगाना है उसकी चौड़ाई इससे थोड़ी इजाफी होनी चाहिए।
आपने इधर से स्लीव जो है वो एक इंच एक्स्ट्रा कटिंग करना है पैटर्न, ये देखिए, और 0.5 इंच इधर आएगा और 0.5 इंच उधर से बढ़ा हुआ होगा। और इस तरह आपने इसके ऊपर ऊपर सिलाई लगानी है पेपर फ्यूजन के साथ साथ। अब आपने इस तमाम को कट करना है और फिर साइड से कट कर लेना है। आप इस तरह सिंगल भी डिज़ाइन बना सकते हैं और आप इस तरह का बनाते हुए इसका डिज़ाइन बना सकते हैं जो कि एक डबल डिज़ाइन हो जाएगा। आपने इधर सिलाई भी लगानी है तो लगा सकते हैं दोनों साइड पर ताकि ये मजबूत हो जाए। और आपने इसको ऐसे करके रख सकते हैं, ठीक है, ये एक डिज़ाइन बन गया, एक सिंपल डिज़ाइन हो गया। और अगर आपने ये डबल डिज़ाइन बनाना है तो इस तरह भी रख सकते हैं, टू डिज़ाइन हो गए। और आप इसको इस तरह ऊपर भी रख सकते हैं, इस तरह ये बन गए थ्री डिज़ाइन, ठीक है, जहां पर आप इसको एडजस्ट करना चाहें। और इसी तरह आप इसको ऐसे करके भी रख सकते हैं और इसको आप ऐसे करके ऐसे रखना है, ठीक है। इस तरह आप इसके मुख्तलिफ तरह के डिज़ाइन बना सकते हैं। इसको आप दुपट्टे पर भी लगा सकते हैं, स्लीव पर भी और बॉर्डर पर भी, और आप इसको ट्राउज़र के आगे भी लगा सकते हैं। आपने इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है, ये देखें, आप इसको सिलाई कर लेंगे। Thank you.
आज भी बताएगा आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।